नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑक्सीजन ओएस के बारे में कि क्यों ऑक्सीजन ओएस सबसे बेस्ट कस्टम ओएस माना जाता है एंड्रॉयड की दुनिया में। जितने भी स्मार्टफोन कंपनीज हैं उन सबके अपने कस्टम ओएस हैं, उसमें से वन प्लस का अपना ऑक्सीजन ओएस है। क्यों ये ऑक्सीजन ओएस जितने भी कस्टम ओएस के मुकाबले सबसे बेस्ट माना जाता है। तो दोस्तों मैं हूं निपुण चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गेम स्पेस के बारे में। दोस्तों गेम स्पेस एक ऐसा मोड है वन प्लस सेवन प्रो में जिससे कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कर देगा। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिसमें कि आंसर कॉल्स वाया स्पीकर, हाउ टू शो नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन को किस तरीके से जब गेम खेलते हुए उसको अपने फ़ोन में आने देंगे, हेड्स अप टेक्स्ट ऑनली ब्लॉक मैंने ब्लॉक किया हुआ है, नोटिफिकेशन कॉल पर थर्ड पार्टी डिसेबल ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, ग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन, हैप्टिक फीडबैक एनहेंसमेंट, इंटेलिजेंट नेटवर्क मैनेजमेंट, ये सारे मोड आपको मिलेंगे गेम स्पेस में जो कि ऑक्सीजन ओएस की तरफ से है। एक और स्पेशल मोड है, वो है इसका ये फैनेटिक मोड। फैनेटिक मोड के अंदर किसी भी तरह की कॉल, किसी भी तरह का मैसेज कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आपको गेमिंग पर्पस के लिए सबसे बेस्ट है। और जो लोग गेम के दीवाने हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा वाला फीचर है। दोस्तों अगले फीचर की मैं बात करूँ वो है इसका डार्क मोड। जैसे कि इसमें आएंगे आप टोन में जाकर डार्क, लाइट, कलरफुल। डार्क मोड जो इसका फीचर है वो बहुत ही एक यूनिक फीचर है, यानी औरों के मुकाबले जो डार्क होता है थोड़ा हल्का होता है, इसका डार्क मोड थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है। यानी वन प्लस के अंदर जो भी कुछ देखेंगे वो आपको डार्क मिलेगा, यानी इंस्टाग्राम भी अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको डार्क मोड एक्टिवेटेड मिलेगा। और नॉर्मली जो अदर जो ओएस होते हैं उसमें तो डार्क मोड होता है वो थोड़ा सा उनके सिर्फ ऊपरी तौर पर कुछ कुछ फीचर्स में काम करता है। वन प्लस में सभी जगह आपको डार्क मोड का फीचर मिलेगा और डार्क मोड से थोड़ा सा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगा, यानी बैटरी बैकअप थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा डार्क मोड एनेबल करने से। अगला फीचर है इसका अपना फाइल मैनेजर। तो वन प्लस का जो अपना फाइल मैनेजर है उसमें आपको मिलेगा एक लॉक बॉक्स। लॉक बॉक्स ये है कि आप इसमें कुछ भी आप अपना जो फोटो वगैरह है, डॉक्यूमेंट वगैरह आप इस लॉक बॉक्स में हिडन कर सकते हैं और बिना पासवर्ड के ये ओपन नहीं होगा। जैसे कि मैंने इसको पासवर्ड से भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। जस्ट लाइक दैट इमेजेस हैं, जैसे मेरे फ़ोन में बहुत सारी इमेजेस हैं, इसको अगर मैंने लॉक करना है, जैसे कि ये एक थंबनेल मैंने क्रिएट किया है वन प्लस सेवन प्रो का। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन वन प्लस सेवन प्रो का तो दोस्तों प्लीज़ जाके देख लीजिए। बहरहाल फ़ोटो को आपने ऐसे क्लिक करेंगे और वो ऊपर जो थ्री डॉट्स हैं इसमें आप क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा मूव टू लॉक बॉक्स। मूव टू लॉक बॉक्स में चले जाएंगे तो आपकी तो फ़ोटो इस गैलरी से हट के सीधा लॉक बॉक्स में जाके सेव हो जाएगी, यानी कोई भी बंदा इसे देख नहीं पाएगा, जो कि मुझे बहुत ही बेहतरीन फीचर लगा इस वन प्लस सेवन प्रो में। अगला एक और ख़ास फीचर है इसका, वो है ऐप हिडन का फीचर। नॉर्मली जो ऐप हिडन के लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, इसमें आपको फ़ोन के अंदर इनबिल्ट मिलेगा, अपने मेनू को ओपन करना है, उसके बाद आप इसको राइट साइड में आप जैसे ही इसको लेफ्ट साइड में जैसे ही आप इसको स्वाइप कर देंगे फिंगर प्रेस से आपका हिडन स्पेस दिखेगा, जिसमें मैंने कीप नोट्स का जो गूगल का जो फॉर्म है उसको मैंने सेव किया हुआ है। यानी जो जो ऐप आपको हिडन स्पेस में रखना है वो सारे ऐप आप हिडन स्पेस में रख सकते हैं, जो कि काफ़ी यूनिक फीचर लगता है मुझे ऑक्सीजन ओएस में। दोस्तों अगले मैं फीचर की बात करूँ सेटिंग्स में जाकर, वो है अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन को कुछ इस तरीके से इन्होंने कस्टमाइज़ किया हुआ है कि फ़ोन की आपको सारी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी अबाउट फ़ोन में जाकर, कि फ़ोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा वेरिएंट है, कैमरा कितना है, स्क्रीन कैसी है, बाकी सब कुछ आपको मिलेगा अबाउट फ़ोन में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर है। अदर मैं बात करूँ यूटिलिटीज़ में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं क्विक रिप्लाई इन लैंडस्केप, यानी ये जो फीचर है जैसे कि आप गेम खेल, खासकर जब आप गेम खेल रहे हैं, जैसे कि ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आता है आप उसको क्लिक कर देंगे तो गेम के ऊपर पीछे से तो गेम आपकी चलती रहेगी पर ऊपर से आपका ये जो भी मैंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक्टिवेट किया हुआ है मैं इंस्टेंटली रिप्लाई कर सकता हूँ उन मैसेजेस का। वन प्लस स्विच ये वो फीचर है जिससे आपके पास नया, जैसे कि ये मेरा वन प्लस सेवन प्रो है, अगर मैं इसको वन प्लस सेवन मैकलरिन एडिशन में इसको मैं अपग्रेड करता हूँ तो मुझे इसका डाटा स्विच कर सकता हूँ इस मोड के थ्रू, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शेड्यूल पावर एंड ऑफ भी अच्छा ऑप्शन है, यानी आप इसको शेड्यूल टाइमर सेट कर देंगे तो आपका जो फ़ोन है वन प्लस वो टाइम के हिसाब से ऑन और ऑफ हो जाएगा। पैरेलल ऐप का फीचर काफ़ी फैमिलियर है,
बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस भी मिल जाएगी मार्केट में, पर वन प्लस ने इसको इनबिल्ड बनाया हुआ है। इसको जो जो एप्स आप पैरेलल यानी आप इसके डुप्लीकेट एप्स आपको बना सकते हो, यानी कोई आपने फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, मैसेंजर, ओला, पेटीएम, जो भी, टिंडर, व्हाट्सएप, जो भी है, अगर आप इसको ड्यूल ऐप अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इस पैरेलल ऐप से आप उन ऐप को ड्यूल ऐप बना सकते हैं। और ये क्विक लॉन्चर ये ऑप्शन है वो अभी बताता हूँ क्या। जैसे कि मैंने अपना फ़ोन ये लॉक कर दिया, अब मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा, तो एक्टिवेट करते ही कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आने लग जाएंगे, न्यू इवेंट, लाइब्रेरी, कीनोट, वॉइस सर्च। तो ये क्विक ऑप्शन का फीचर है इस वन प्लस 7 प्रो में। अदर और जो मैं फीचर की मैं बात करूँ वो है इसका स्क्रीन रिकॉर्डर। नॉर्मली आपको तो स्क्रीन रिकॉर्डर जो फोन्स में मिलेंगे वो काफ़ी सिंपल होते हैं, सिर्फ क्लिक किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। वन प्लस 7 प्रो में स्क्रीन रिकॉर्डर कुछ इस तरीके से कस्टमाइज किया हुआ है कि आप एक परफेक्ट रेजोल्यूशन दे सकते हैं आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, कि आपको रेजोल्यूशन कौन सा चाहिए, बिटरेट क्या चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं, कितने फ्रेम में रिकॉर्डिंग करनी है वो भी आप इसका सेट कर सकते हैं, ऑडियो सोर्स कैसे देना चाहते हैं, इंटरनल माइक्रोफोन लगा के वो भी आप सेट कर सकते हैं, वीडियो ओरिएंटेशन क्या है ये भी सेट कर सकते हैं, हाइट, फ्लोटिंग, विजेट, टच, शो टच ऑपरेशन, पॉज रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज ऑफ, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से इसको कस्टमाइज किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है इसको यूज़ करने में। नॉर्मली आप थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। दोस्तों अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स की मैं बात करूँ, इसमें मिलेगा आपको अलर्ट स्लाइडर। नॉर्मली जो वन प्लस 7 प्रो में उसके बटन को कस्टमाइज किया हुआ है, आप इस बटन को मूव ऊपर नीचे करके रिंगर, वाइब्रेशन साइलेंट या रिंगिंग पोजीशन में आप इसको प्लेस कर सकते हैं। और दूसरा नेविगेशन बार एंड गेस्चर, यानी ये जो फीचर है इसमें जो मैं एक साइड से मतलब कि राइट हैंड साइड से अगर मैं स्वाइप अप स्वाइप डाउन करता हूँ तो मेरा जो फ़ोन बैक और फॉरवर्ड हो जाता है, जो कि नॉर्मली भी आपको बहुत से फ़ोन्स में मिल जाएंगे, पर ये इसमें थोड़ा इसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। नॉर्मली जो फ़ोन्स में आपको साइड से लेफ्ट और राइट से बैक और फॉरवर्ड करना पड़ता है, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं, आपको बिल्कुल नीचे से आपको ऑप्शन मिलेगा करने के लिए। क्विक गेस्चर्स की मैं बात करूँ, फ्लिप टू म्यूट नॉर्मली सभी फ़ोन्स में होता है, और थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट ये भी आपको हर फ़ोन में मिलेगा। इसमें जो है डबल टैप टू वेक अप स्क्रीन, ये जो फीचर है ये काफ़ी अच्छा है। जैसे आप इसको एनेबल कर देंगे, डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाएगी। म्यूजिक कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि स्क्रीन आपका ऑफ है, आपने सिर्फ दो फिंगर से इसको ऐसे करना है तो स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी। नॉर्मली दो फिंगर ऐसे कर देंगे तो आपका म्यूजिक पॉज भी हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे वन प्लस 7 प्रो में। बाकी गेस्चर जो है वो आप इसको एनेबल कर सकते हैं, मतलब ये जो कुछ जो फीचर्स हैं ये वन प्लस ऑक्सीजन ओएस में इनबिल्ट आपको दिए गए हैं, इसके लिए आपको कुछ अलग से डाउनलोड वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा एक और फीचर है इसका पावर बटन में गूगल असिस्टेंट का डायरेक्ट फीचर दिया हुआ है। नॉर्मली पावर बटन को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो आपका गूगल असिस्टेंट ऑलरेडी इसमें एक्टिवेट हो जाएगा, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है, बोल के इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ये पर वन प्लस 7 प्रो में ऑक्सीजन ओएस को इस तरीके से कस्टमाइज किया हुआ है कि पावर बटन में ही आपको गूगल असिस्टेंट का फीचर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल और इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन चलाते चलाते हमें बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है, या फिर काम करते करते कभी एक फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कि यहाँ पे 24 घंटा हम फ़ोन में लगे रहते हैं, और फ़ोन से आजकल तो फ़ोन से ही सारे काम हो जाते हैं, क्यों ना एक ब्रेक लिया जाए। उस चीज़ के लिए भी वन प्लस ने एक और मोड है, जैन मोड। जैसे ही आप जैन मोड में जाएंगे, आप अपने हिसाब से टाइमर लगा देंगे कि कितने मिनट के लिए आपको स्मार्टफोन से दूर रहना है। जैसे ही आप इसको लेट्स ग्रो करेंगे, आप कॉल मैसेज कुछ नहीं कर सकते, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप सिर्फ मैसेज की तरह आपके पास आ जाएगा, पर आप कोई कॉल नहीं कर सकते। कोई इमरजेंसी कोई कॉल आएगा, कॉल रिसीव कर सकते हैं पर कॉल आप कर नहीं सकते, जितने भी नोटिफिकेशंस है वो सारे बंद हो जाएंगे इस जैन मोड में, जो कि बहुत ही कूल और इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे इस ऑक्सीजन ओएस में। दोस्तों अगले फीचर की मैं बात करूं वो है रेज टू आंसर एंड स्विच का ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट है और आपने गलती से ब्लूटूथ की जगह फ़ोन ही आप अपने कान में लगा लेते हैं, जैसे कि ये एनिमेशन में दिखाया गया है, तो आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिक ब्लूटूथ से हटकर डायरेक्ट फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा।
जो कि काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग फीचर लगा इस ऑक्सीजन ओएस का। दूसरा मैं बात करूँ वॉल्यूम बटन्स का, वॉल्यूम बटन जैसे आप प्रेस करेंगे, जैसे कि मेरा फ़ोन अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि ब्लूटूथ ना बंद करके आप फ़ोन में ही इसको सुने, तो आप जैसे फ़ोन स्पीकर में आप इसको एनेबल कर देंगे तो स्पीकर का जो आउटपुट है वो फ़ोन से आ जाएगा। अगर आप इसको दोबारा में जैसे वायरलेसली आप इसको सुनना चाहते हैं तो आप इस वायरलेस डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। उसके लिए आपको ब्लूटूथ जो डिवाइस है इसको आपको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर ऑक्सीजन ओएस के जो कि इसको सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक बनाता है कस्टम ओएस में, यानी एंड्रॉयड की दुनिया में। और दोस्तों मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों अब इंतज़ार किस चीज़ का, वीडियो को कर दो लाइक, वीडियो कर दो शेयर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्यूचर में अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।